यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना भाजपा के संकल्प पत्र में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना यह अभी मत बताए कि अयोध्या में उसे बाबरी मस्जिद बनवानी है या राम मंदिर। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा राजस्थान के जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर भाजपा पहले ही कह चुकी है कि कोर्ट का फैसला और सर्व अनुमति भाजपा को मान्य होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना अभिमत देश के सामने नहीं रख रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर शर्मा ने कहा कि एक के बाद एक प्रदेशों को खोने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मानसिक वेदना को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक यात्रा के अंतिम दौर में गुजर रही है। अब देश में गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है, बल्कि इटालियन कांग्रेस कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था पर विपक्षी दल उंगली उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का साहस होने लगा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ स्तर पर भाजपा को मजबूत करने का कार्य किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ माँ बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ससुर बेटा बहू और चाचा की पार्टी बनकर रह गई है। और ये सपा के बाद ये जो ये सपा थी वो तो केवल बहू जी, देवर जी, ससुर जी, ये लोग चुनकर समाजवादी पार्टी से आए थे। और कांग्रेस में तो पहले राजीव गांधी कहते थे दो या तीन बच्चे घर में होते अच्छे।